जिनकी पाकी का खुदा पाक करता है बयां आए ते तिर से जाहिर है उनकी शाह बे इजाजत जिनके घर जिबरील भी आते नहीं कदर वाले जानते हैं कदरों शाम मिल के लालतानी बैतार से गुस्ताखिया बेपाकिया लालतिया दुश्मना नेहले बैत और बेअब गुस्ताख फिर को बता दो एसन यू बेह करते हैं सुन्नी दासता करते हैं अब सुनो जरा कितनी आयता हो गई सारे बोलो अब मैं आपको जो बात बताने लगा ये इसलिए एक तो यह मुझे डबल सवाब मिलेगा एक, एक है कि कहरत यह गालू समझ आ गई ना आपकी रूह तक जो है वो इसका चैन पहुंचेगा ये है तीसवां सपारा कौन सा सपारा यकीन जानो जब ये ये बात मैंने पढ़ी नहीं पढ़ी नहीं लेकिन जो मैं इस्तलाल करने लगा हूं ना अगर आपकी रूह तक सुकून ना पहुंचेगा तो फिर कहना अब देखो जरा अल्लाह फरमाता है वल आदियाति या उन घोड़ों की कसम जो हाँपते हुए दौड़ते हैं वो कैसे घोड़े ने अल्लाह अल्लाह कसम याद करता पे अल्लाह कहते हैं फल दबहन, उन गोड़ों की कसम जो वक्त धावा करते हैं नकन फिर उस वक्त गुबार उड़ाते हैं फसत जमान फिर उस वक्त दुश्मनों की जमात में जा घुसते हैं और यार वो कैसे अजीम घोड़े हैं अल्लाह अल्लाह उनकी

उन गोड़ों की कसम याद फरमाए तो जिनको सवारी के लिए मुस्तफा के कंधे मिले हैं आप नहीं समझ रहे मैंने जो इस्तेदलाल किया है कभी आप अपनी अक्ल को प्रवास कराओ एक मिनट बैठे थे आप अक्कल को प्रवास कराओ जिन गोड़ों के ऊपर मुस्तफा के सहापा बैठ जाए अल्लाह कहता है उन गोड़ों की कसम तो सवारी करने ली जिन्हू मिलन कंधे मोहम्मद दे ਸ਼ੇਰ ਪੜਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜੋਕ ਹੈ ਸਵਾਰੀ ਕਰ ਨ ਲਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਕਰਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਨਵਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੰਜ ਸਰਦਾਰ ਹੋਂਦੇ ਨੇ ये जुमला पहला तो मेरे साथ पढ़ो ना सवारी कई जिसनू मिलन मुहम्मद दे नवाबियान कंज सरदार हो नसीबा वू दे दे देने अल्लाह अकबर यार रसूल अल्लाह यार।, यार बला की ये मैं इस वजह न कहना नारे ऐ वेखो जरा ਆ ਵੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਸਵੇਰ ਵੀ ਇਹ ਫਿਰ ਇਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਸੁਣਾਈਏ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਅਬ ਦੇਖੋ ਮੁਸਤਾਫਾ ਕੇ ਘਰਾਣੇ ਜੈਸਾ ਕਾਇਨਾਤ ਮੇਂ ਘਰਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਹਾਂ ਪਰ ਨਾ ਇੱਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ ਮੈਂ ਖੁਦ ਬਣਾਉਣੇ ਲਗਾ ਹੂੰ ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਕਰੇ ਨਾ ਜਿਨੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਣੇ ਵੇਖੇ ਹੋਣ कोई नहीं कायनात में मैं सियालकोट गया चंद शहर फिर चलो तीन चार मुल्क फिरा लेकिन पूरी कायनात में कितने ममालिक हैं दावा तो वो करे ना अल्लाह दे बंदे गल कोई को सुनाईए ए जिन्हें तक है ना उन्हें दसिया और सुनियो सवाई कुल मोहरी का है रवायत करने वाली का नाम सुनना और हाथों को उठा के हम मोमिनों की मां है रवायत करने वाली ताहिरा हजरत आयशा और भी गल याद रखियो जेडे नबी पाक मेरे नबी पाक जो अजवाज ने ना वो ऐले बहते त्योहार तो बहर नहीं आप नहीं कहते वो घर वाली घर में है तो तुम्हारी घर वाली घर में है तो इनको आप पहले बहते तहार में शामिल फरमाने के लिए तैयार नहीं ये यह मुजिदानी एक हजार साल के मुजद वो कहते हैं मैं कुछ पकाता था ना तो उसका सवाब जो है ना वो मैं ख़ास करता था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हज़रत फ़ातमत ज़हरा के लिए हज़रत अलीज़ा के लिए इमाम हसन के लिए इमाम हुसैन के लिए कहते हैं एक ख्वाब में ना मैंने नबी पाक सलातो वसलाम की ज़ियारत की हुजूर के सामने मैं गया तो हुजूर ने अपना चेहरा फेर लिया तवज्जो तो नहीं फरमाई मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह नाराजगी है मेरे नबी पाक ने फरमाया आज भी मुझे खाना आयशा के घर से आता है जिन्हें भेजना हो है ना आयशा के घर तो भेजा करे है मतलब ये है तुम सब का नाम लेते हो मेरी महबूबा आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा का नाम क्यों नहीं लेते पता ये चला नबी पाक की तवज्जो उनको मिलती है सार्ड का नाले है ये मुजदिलानी कह रखे हैं तो ये जो मैंने कहा है ना कि कुल कायना में मेरे नबी के जैसा किसी का गाना नहीं है, मुस्तफा हैगा में आए और रवायत करने वाली हजरत आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा रद मैं पढ़िया मजा बड़ा आएगा तह जो आप किसी नहरीर लिख के भेज दी सर हजरत आयशा गल याद आ जाए तो सुना मैं महबूबा महबूबे खुदा सुबह अल्लाह ये है हजरत सिद्दीका है यार कुरान की यादें जिनके हक में नाजिल हो ये कोई मामूली बात है जिनकी पाक दामनी के लिए अल्लाह कुरान की नाज़िल अल्लाह ने बड़ी कुत दी है मैंने जमीन के मशारिक को, को उलट पुलट करके देखा मैंने मगारिब को उलट पलट करके देखा लेकिन या रसूल अल्लाह तो आडे जैसा कोई नजर नहीं आया है आप जैसा नजर नहीं आया आप जरा अगले अल्फाज सुनना अल्लाह मैंने जमीद के मशारिक मगारिब को उलट के देखा आपके गराने से अफजल कराना मुझे नजर नहीं आया एक हाथ चुको मेरे नाम पढ़ना वे अफजल है कुल जहान से पढ़ो अफजल है कुल जहान से गराना हुसैन का नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का एक पल की थी यजीद की सदियां हुसैन की है जमाना हुसैन का जिंदाबाद 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 到了